हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द आई टी ऑल ऑफ यू। दैट्स ट्रिग्नोमेट्री ऑफ बेसिक पॉइंट का बेटा, जो इसके पहले वीडियो में मैंने आपको जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का जो फार्मूला होता है लाल बटे कट का, या जिसे कहते हैं पी बी पी अपॉन एच एस बी, ठीक है, उसमें साइन कॉस टैन कॉट से कॉसेक का क्या रिलेशन होता है, इसमें क्या होता है, उसको मैंने टीच कर रखा है। अब मैंने आप लोगों के लिए लिया है एग्जांपल, ठीक है, उन्हीं जो रेशियो था उनसे मैं क्या करूंगा, इस एग्जांपल्स को सिंपलीफाई करूंगा। इस साइन की आपको वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, देखिए आप किसी भी वीडियो को जब तक लास्ट तक नहीं देखेंगे आप 100% सेटिस्फाइड नहीं हो सकते हैं, इसलिए जब भी वीडियो आप देखा करिए अंत तक श्योर देखिए। ठीक है, आप देखिए ये साइन थीटा की वैल्यू आपको गिवन है 3/5। इसके पहले मैंने वीडियो में आपको दिया था कि जो साइन थीटा का रिलेशन होता है, यूपी बोर्ड वाले कहते हैं बेटा L/K और सीबीएसई वाले कहते हैं P/H। ठीक है, ये क्या हो गया, ये फिगर में देखिए मैंने इंडिकेट किया है कहाँ पे H है, K है, T है, L है, B है, A है ना, मैंने अच्छी तरह से शो कर रखा है। अब ये तो हो गया, अब आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम इसको यूपी बोर्ड वाले कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। आपने पढ़ा होगा बेटा क्या, एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आर यूपी बोर्ड वाले क्या कहते हैं बेटा, जो यूपी बोर्ड के बच्चे होते हैं, ठीक है, वो भी यही पढ़े होंगे, आई होप, मुझे आशा है कि वो पढ़े ही होंगे, है ना, थोड़ा तो इंग्लिश उनको भी आता भी होगा जो यूपी बोर्ड के बच्चे होंगे, इतना तो वीक होगा नहीं, क्योंकि आगे चल करके बेटा जब आप क्लास 10 प्लस 2 12th के बाद आप बीएससी बीटेक पॉलिटेक्निक कुछ भी करेंगे बेटा तो ए टू जेड इंग्लिश तो इंग्लिश ही रहेगा। तो मैं ये चाहूँगा कि आप अभी से इंग्लिश का भी नॉलेज रखना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से क्या बेटा हमें वैल्यू फाइंड करना है, क्या हमें वैल्यू फाइंड करना है, यहाँ से जो आपको गिवन है अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। जो 3 है आपका ये क्या बेटा परपेंडिकुलर की वैल्यू है और हाइपोटेनस क्या बेटा 5 है, आपको फाइंड करना है बेस। तो इसी जो पाइथागोरस थ्योरम है इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, परपेंडिकुलर की यदि वैल्यू फाइंड करना होगा, ये फर्स्ट ये अगर सेकेंड इसका इसी से देखिए ये बना हुआ है, मेन ये है और इसी को मैं ब्रेक करके दूसरा फार्मूला पे क्रिएट करूं तो पी स्क्वायर इक्वल टू होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ट्रांसपोजिट कर दिए। यदि हमें बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना होगा तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ से दिस एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लियर है। तो अब यहाँ से हमें बी की वैल्यू फाइंड करना है, दिस बी स्क्वायर इक्वल टू एच की वैल्यू 5 का स्क्वायर माइनस पी की वैल्यू है बेटा कितना 3 का स्क्वायर, ठीक है, 5 का स्क्वायर करें बेटा 25 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 25 माइनस 9 करेंगे बेटा आएगा 16, बी स्क्वायर इक्वल टू तो 16 है बेटा, जब इस तरह से स्क्वायर कैंसिल आउट करेंगे तो लेफ्ट क्या आएगा, राइट साइड में आएगा रूट, रूट में जो 16 है इसको स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो आपको फाइंड होगा 4। तो इस प्रकार से जो बेस आपका फाइंड हो गया 4, क्लियर है। अब यदि आप फाइंड करेंगे बेटा क्या कॉस थीटा की वैल्यू, तो कॉस इक्वल टू क्या होता है, जो मैंने रेशियो आपको बताया था, ठीक है, उसमें क्या था, जो कॉस थीटा का रेशियो का फार्मूला मैंने बताया था, कॉस थीटा इक्वल टू जो था, अगर हिंदी बोर्ड वाले बच्चे होंगे वो लिखे होंगे क्या A/K और सीबीएसई वाले लिखे होंगे B/H, है ना। तो यहाँ से आप देखिएगा ए की जो वैल्यू है ये 4 है और जो के की वैल्यू आई हुई ये 5 है, ठीक है, तो आप सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा 4/5। अगर मैं वैल्यू फाइंड करूं tan थीटा की, tan थीटा इज इक्वल टू
पढ़े होंगे आप, यूपी बोर्ड के बच्चे हमारे पढ़े होंगे क्या, पी अपान ए परी, एल अपान ए, और सीबीएसई बोर्ड के बच्चे पढ़े होंगे क्या पढ़े होंगे बेटा, पी अपान बी। ठीक है, जब यहाँ से इसकी वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ जरा देखिएगा, ये थ्री अपान ये क्या हो जाएगा बेटा, फाइव सॉरी फोर, थ्री अपान फोर हो जाएगा। ठीक है, पार्ट की वैल्यू जब फाइंड करेंगे, पार्ट थीटा इज इक्वल टू वो क्या होता है, ए अपान एल इज इक्वल टू बी अपान पी, दिस मीन्स क्या हो जाएगा बेटा, फोर अपान थ्री। और जब हम फाइंड करें बेटा सेक की वैल्यू, सेक थीटा इज इक्वल टू तो पढ़े होंगे आप एच अपान ए इज इक्वल टू सॉरी एच नहीं, के अपान ए इज इक्वल टू एच अपान बी, इसकी वैल्यू हो जाएगा बेटा, हम यहां से फाइंड करेंगे तो फाइव अपान फोर, और जब कॉसिक थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा, जब कॉसिक का मैंने रेशियो बताया है इसके पहले वाले वीडियो में आप अच्छी तरह से देखे होंगे, यहां से क्या होता है के अपान एल इज इक्वल टू एच अपान टी, दिस इज इक्वल टू होगा बेटा फाइव अपान टी। ये एक सिंपल सा रूल होता है फाइंड करने का कि यदि साइन कॉस टैन कॉट से कॉसेक किसी एक की वैल्यू गिवन है उसके हेल्प से अदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये सिक्सी रेशियो क्या लाता है, साइन गिवन है कॉस टैन कॉट से कॉसेक ये रेशियो होता है, इसमें से आपको किसी की भी वैल्यू फाइंड करने के लिए दे सकता है। ठीक है, ये सिंपल सा दिया है, रूट में भी किसी भी प्रकार से देगा तो आई होप आपको कैलकुलेशन आता ही होगा और आप इजीली सॉल्व करेंगे, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। थैंक यू।